देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा ये मेला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियंका सर्प मित्र में। और आज का जो रेस्क्यू कॉलर डाणी ग्राम सभा है जो जिला गोरखपुर के अंतर्गत पड़ता है। और ये भैया लोग हैं, इन्हें लोगों ने कहा है इनके घर में सांप देखा है। तो चलिए भैया लोग से पूछते हैं सांप कब देखे और कहाँ देखे हैं, बताइए सांप आप लोगों ने कब देखा है। ये सांप अभी एक घंटा पहले उधर से रेंगते हुए आया है। हाँ। से तो एक पीछे वाले घर है, उनके घर से रुका था, उसके बाद घर से होते हुए फिर उस गली के रास्ते आया है, फिर इसी मौके में बैठा था। उसके बाद हम लोग इंतजार किए, हम लोग सोचे भाग जाएगा लेकिन भाग नहीं रहा था। फिर हम फिर लड़के ने ढेला चलाया तो नीचे आकर बैठ गया वहीं के तब से है। चलिए आप दिखा दीजिए, देख लीजिए सांप रहा वो बैठा हुआ है। यहाँ गाय गौशाला है, यहाँ गाय बनाता है और यही ये सांप ढूंढ लेके बैठा है। और ये काफी देर से यहाँ पे बैठा है और घर वाले लोग बहुत परेशान हैं। तो चलिए इसका रेस्क्यू करते हैं। और जैसा लगता है कि ये कुछ खाया हुआ है, अब ये नहीं पता है कि क्या खाया है। चलिए अब इसको बाहर लेके चलते हैं और इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। चल पूरा बोलिए तो देखिए दोस्तों, जो ये खाया था वो भूल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा ये मेला है। देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा ये मेघा खाया था। चलो दोस्तों इसके बारे में छोटी सी जानकारी देते हैं। और ये जो सांप है स्पेक्टिकल कोबरा है और इसके काटने पे 40 से 45 मिनट समय मिलता है। और सही समय पे इलाज ना मिले तो जान जा सकती है। और जब भी ये सांप दिखता है तो जो डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है इस पर कॉल करें, मारे ना, बचाने का प्रयास करें। इस सांप के काटने से एक ही उपाय है कि आप अपने जिला अस्पताल जाएं, एंटी वेनम ही लगवाएं, आपकी जान बचा सकती है, ना कि झाड़ फूक के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। चलिए दोस्तों इसको पैक करते हैं और पैक करने के बाद इसको खुले वातावरण में जाके रिलीज कर दिया जाएगा। लेडी
से आई है ना। आई आई।